सो हेलो गाइस, जय हिंद सभी को। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है प्रॉब्लम के ऊपर, मतलब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर। प्रॉब्लम तो आपके साथ है भाई, तो मतलब यार भाई सभी लोगों को ये प्रॉब्लम आती कि भाई जब हम जब भी मतलब पबजी को ओपन करते हैं तो यार भाई वो जो साइड में डाउनलोडिंग है ना वो स्टार्ट हो जाती है। उसके मन से ही भाई अपन कुछ नहीं करते तब भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो भाई बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, मेरे को भी दिक्कत आती थी, लेकिन अब नहीं आती क्योंकि मैं एनवाई गेमर की वीडियो देखता हूँ रोज। तो ये दिक्कत है यार भाई लगभग सबके साथ है। तो भाई ये जो दिक्कत है ना, ये पबजी के जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, वर्कर्स जो भी इसको गेम को करते हैं डिजाइन विजाइन, तो उन लोगों ने ये दिक्कत डाल दी हुई है। नेता लोग हैं ये साले, सबके सब नेता दिखता नहीं नेताओं को। तो भाई इनसे इनके जैसे बहुत लोग हैं जिनके पास है बहुत सारा पैसा नेतों के जैसा, लेकिन भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि उनको के पास बहुत पैसा है, उनको नेट खत्म हो जाने से कोई लेना देना नहीं। तो भाई फर्क पड़ता है हमारे जैसे छोटे लोगों को, आम जनता को, जिनका नेट बचता है वो, लेकिन ये पबजी वाले ले लेते हैं। माफ नहीं करेगी जनता, माफ नहीं करेगी। तो गाइस अब करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो भाई उस चीज़ को फिक्स करने के लिए दो सॉल्यूशन है। पहला मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ ये करना है आपको, आ जाना है डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर सेटिंग्स में गाइस देख सकते हो ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया गाइस, पहले सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो छोटा सा यहाँ पर दिख रहा है डाउनलोड ऑटोमेटिकली वेना नेटवर्क, इस पर आपका जो टिक रहेगा इसको आपको सिंपली यहाँ से हटा देना है गाइस। ये था पहला सॉल्यूशन, फिर से बता देता हूँ, देख सकते हो गाइस यहाँ पर ये डाउनलोड के ऑप्शन पे गए यहाँ पर, और फिर वापस से आपको टिक को हटा देना है गाइस, ठीक है। इससे आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अभी उसको पूरा सॉल्व करने के लिए गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो साइड में आप देखिए उसके वही लाइन में नीचे लेफ्ट साइड में देख सकते हो डिलीट का एक ऑप्शन है, डिलीट का जो डस्टबिन बना हुआ उस पर आपको क्लिक करना है गाइस, और उसको डिलीट कर देना है जो भी आपका डाटा यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है, मतलब ये रिसोर्स जो डाउनलोड हुई है थोड़ी सी, तो वो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे गाइस ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, तो आपको यहाँ पर येलो कलर का डिलीट का बटन है इसको पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने वैसे डिलीट कर दिया। तो देख सकते हो गाइस अब वो डाउनलोडिंग होना स्टॉप हो गई है। तो गाइस देख सकते हो अभी फिर से डाउनलोड होने लगी है, ये क्यों होने लगी है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो मैं पहले तो इसको स्टॉप कर देता हूँ, और आप देख सकते हो गाइस स्टॉप कर दिया, अब ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट नहीं होगी। और ये फिर से होगी क्योंकि मैं इन्वेंटरी पर जब भी क्लिक करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी बहुत सारी आउटफिट डाउनलोड हो रही है, गन्स की स्किन, हेलमेट्स की सारी चीज़ें यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, इसलिए वो वापस से जो रिसोर्स वाला है चीज़ वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। इस वजह से भाई वो फिर से स्टार्ट हुई है। अगर दी आपके में पहले से ही ये सब डाउनलोड है तो भाई वो फिर से स्टार्ट नहीं होगी, मेरे में नहीं था इसलिए वो स्टार्ट हो गई, ठीक है गाइज। तो ये थी पूरी वीडियो। तो गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल भाई छोटा भाई। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो अलविदा भाइयों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पबजी। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो ना, शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।